ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों को अब ट्रेन की लेट लतीफी का सामना करना पड़ रहा है भारी। घंटों प्लेटफॉर्म में बैठे यात्री हो रहे परेशान, जिसको लेकर शहर के लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। भारतीय रेल का नाम सुनते ही हम सब भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वहीं अब इसी सीने पर दर्द पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बता दें, रेल मंत्रालय की व्यवस्था से नाराज शहरवासियों ने अपनी पीड़ा बयां की है। गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद से लगातार सभी जगहों पर चल रही यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी और रद्द किए जाने का मामला लगातार होता रहा है, जिससे परेशान यात्रियों को ट्रेन के देरी से पहुंचने पर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही वक्त गुजारना पड़ता है। साथ ही स्टेशन की लचर व्यवस्था के कारण यात्रियों को बैठने तक जगह नहीं मिल पाती, मजबूरन उसे जमीन पर ही बैठना पड़ता है। इस संबंध में शहरवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम के समक्ष बताई। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम भारत के नागरिकों का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को इसको ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये अडानी जैसे लोगों को पाल के रखी है, तो रेल की व्यवस्था जो है ठप पड़ी हुई है और तमाम चीज़ों में हम यह कहना चाहते हैं कि जितने भी शासकीय विभागों से लेकर आम नागरिक के संपूर्ण व्यवस्था पर रेल व्यवस्था जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस महत्वपूर्ण व्यवस्था पर सरकार जो है असफल है। कई दिनों से लोगों का टिकट बुकिंग करवा लेते हैं लेकिन टिकट की जानकारी भी आम व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं यह सोचनीय विषय है और तमाम गतिविधियां में सरकार जो ध्यान देना चाहिए मूल विषय पर, रेल के संबंधित सभी कार्य प्रणाली पर ध्यान नहीं दे रही है और हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी सांसद हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार की रेल व्यवस्था को लेकर जो है अभी तक के ना संसद में कहा जा रहा है, न ही आम जनता को इस विषय पर जो है ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी हमारे दुर्भाग्य का विषय है। रेल संपूर्ण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय को संज्ञान देती है। तमाम आना जाना शासकीय नौकरी पेशा से लेकर व्यापार से लेकर हर चीज़ जो है ना रेल से आने जाने वाले, ये ट्रेन मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि जो है मंत्री जी की भरासाही है और यहाँ जो है पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है अडानी को लेकर, और यह मामला जो है बड़ा मामला है और वह मामला है कोयला से संबंधित है और उस कोयले को लाने ले जाने के द्वारा ही आम नागरिकों को यह तकलीफ का सामना हो रहा है। पहले तो मैं ये बताऊं कि भारतीय रेल एक आम इंसान के लिए परिवहन का वो माध्यम है कि जिससे गरीब मुसाफिर और एक आम जन के लिए बहुत ही सुचारू व्यवस्था थी, लेकिन कोरोना के बाद से हम देख रहे हैं कि इस व्यवस्था में इतनी गड़बड़ी हो गई है कि आए दिन मुसाफिर स्टेशन पहुंचता है और उसे पता चलता है कि ट्रेन रद्द हो गई या उससे पहले से सूचना भी नहीं होती। और हम चूँकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हम देख रहे हैं कि बिलासपुर रेलवे मंडल इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये रेलवे मंडल का काम होना चाहिए कि मुसाफिर का ख्याल रखे, केंद्र में अपनी बात को रखे, ताकि यहाँ के मुसाफिर जो परेशान हो रहे हैं, रेलवे के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान लोगों को जाना होता है, वो रिजर्वेशन कराते हैं, कोई इंटरव्यू देने जाता है, कोई अपने कार्य के लिए जाता है जो उसका अत्यंत आवश्यक कार्य होता है और उस तारीख तक वहाँ पहुँच नहीं पाता है, तो इसका भुगतान कौन करेगा? क्या केंद्र सरकार या बिलासपुर रेलवे मंडल इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? यहाँ से हम देखते हैं कि कोयले की ट्रेनें बराबर जा रही है, तो कोयले की ट्रेनें जब बराबर जा सकती है तो यात्री गाड़ी क्यों बराबर नहीं जा सकती? ये सोचने का विषय है। और बिलासपुर रेलवे मंडल को और केंद्र सरकार को, हमारे स्थानीय सांसद को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी जनता जो परेशान हो रही है और व्यापारी और आम वर्ग, जो भी ट्रेन के माध्यम से बहुत सारा व्यापार होता है, लोग एक दूसरे जगह जाते हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और एक हर नागरिक
जो ट्रेन से जुड़ा हुआ है वो परेशान हो रहा है, इस ओर गंभीरता से विचार करना चाहिए, ये मेरा अभिमत है। ये आज़ादी के बाद देश में 60 सालों तक के रेल पटरियों का विस्तार नहीं हुआ, देश की आबादी बढ़ी है और आबादी बढ़ने के साथ यात्री भी बढ़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा बढ़ा है औद्योगिकरण होने के कारण से। तो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने आने के बाद सबसे पहले रेलवे का विस्तारीकरण चालू किया। आज आप देख रहे होंगे कि कई जगह दो ट्रेनें एक साथ जा रही हैं, ये दो ट्रेनों का जो ट्रैक बन रहा है जगह जगह पर, उसके कारण से कई बार ये होता है कि हम लोगों को ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ता है। कुछ समय की परेशानी आम जनता को है, सरकार भी मानती है, लेकिन आज जो हमको परेशानी है वो भविष्य के लिए हमको बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगी। तो आने वाली सुविधा को देखते हुए हमको इसमें अपना सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इसका विरोध करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो इसका विरोध कर रही है वो तात्कालिक विषय को लेकर कर रही है, भविष्य के बारे में कभी भी कांग्रेस ने इस विषय में नहीं सोचा। इसलिए आज जो है ना बहुत बड़े स्तर पर रेल का विस्तारीकरण हो रहा है, हर जगह डबल ट्रैक बन रहे हैं, एक ट्रैक आपका गुड्स ट्रेनों के लिए भी अलग से बनाया जा रहा है ताकि गुड्स ट्रेन के कारण से पैसेंजर ट्रेनों को ज़्यादा नुकसान ना हो, यात्रियों को सुविधा मिले। इसकी दृष्टि से मेरा यही मानना है कि आज की जो असुविधा है उसको भविष्य की सुविधा मानते हुए लोगों को चलना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।